हेलो एवरीवन, आज है 1 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, सरकारी शेयर है ये और रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। 21 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रेल विकास निगम के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेल विकास निगम 21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 10% का ग्रोथ है। अब देखिए, 19 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई, शेयर सीधा 30 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन बाद में पिछले कुछ दिनों से शेयर में कंटिन्यूअस गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 13% की गिरावट है। अब देखिए, 29 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया था पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान 11 रुपए पर, लेकिन उसके बाद शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ा है। अगर बीच में गिरावट आई भी है तो वापस बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर उससे कई बड़ा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर उससे बड़ा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक किया, अब फिर से गिरावट आई है। लेकिन याद रखिए, वापस से ये शेयर बाउंस बैक जरूर करेगा। फ्यूचर में आपको इसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4420 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 33 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 87.84% की होल्डिंग है, FIIs के पास 0.40% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 1.59% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.51% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 87.84% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर प्रमोटर का यहाँ पर गिर भी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 5 FIIs ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर के बाद कोटक टैक्स सेवर स्कीम है, जिनके पास 1.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.98% है। और अगर हम बात करने जाए तो देखिए, डिविडेंड भी पे कर रहा है, 10% का डिविडेंड इसने पे किया है। मनी कंट्रोल में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल है। काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। 5.58 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.70 का है। बुक वैल्यू 21 के आसपास है, प्राइस टू बुक रेशियो 0.98 है, ईपीएस 3.79 है और डिलीवरीज 47-48 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। यहां पर हम अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मार्च क्वार्टर में नतीजे अच्छे थे, तकरीबन 200 करोड़ का मुनाफा था मार्च 2020 के क्वार्टर में। दिसंबर 2019 में भी 200 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 224 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, इससे पहले भी 180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में इसने बढ़िया नतीजे रिपोर्ट किए हैं। हालांकि जून में एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जून क्वार्टर की हम बात करें तो पूरा का पूरा लॉकडाउन का वो पीरियड था और उस पीरियड में सारा कामकाज जो था वो बंद पड़ा हुआ, ठप पड़ा हुआ था। तो ऐसे में जून में आपको बहुत बड़ा अगर भारी नुकसान देखने को मिले तो ज्यादा चौंकने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो प्रमोटर के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, और प्रमोटर मतलब यहाँ पर सरकार है, सरकार एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करती है। 87.84% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी सरकार के पास है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, FIIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम के देखिए, सबसे पहले तो ये सरकारी शेयर है तो डूबने वाली कंपनी नहीं है, और जिस सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लगा है। रेलवे की मैं यहाँ पर बात करूँ, शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लगा जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये शेयर रिकवर करेगा। क्योंकि देखिए, रेलवे की मैं बात करूँ तो वो हम इंडियंस की नेसेसिटी बन चुकी है। रेलवे, हर किसी को ट्रैवल करने के लिए रेलवे की जरूरत पड़ती है कभी ना कभी, और डेफिनेटली जिस जो आबादी है इंडिया की उसमें रेलवे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है। और रेल विकास निगम काफी बढ़िया कंपनी है और काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल भी है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी कि ये वो शेयर नहीं है कि जो ओवरनाइट आपको 10-12% का ग्रोथ दे दे, ये काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर।
पिछले एक साल में भी आप देखिए मुश्किल से इसका जो प्राइस रेंज है वो 17 से 18 रुपए का प्राइस रेंज है। काफी ज्यादा ये मूव नहीं करेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे कम गति से, लेकिन ये शेयर ऊपर जरूर बढ़ेगा। अगर 3 रुपए ऊपर उठा है तो 2 रुपए नीचे गिरेगा भी सही है, लेकिन 2 रुपए नीचे गिरने के बाद वापस 3 रुपए ऊपर उठने का भी दमखम है, लेकिन वापस 3 रुपए ऊपर जाने के बाद वापस 2 रुपए ये नीचे भी आएगा। इस तरीके से ये शेयर मूव करेगा। आप यहाँ पे देखिए 11 रुपए के ऊपर था, तेजी आ गई, 18 रुपए पर पहुंचा शेयर। बाद में क्या हुआ, वापस 16 रुपए पर आ गया, वापस शेयर 18 रुपए पर पहुंचा, वापस शेयर 16 रुपए पर आया, वापस शेयर पहुंचा 19 रुपए के आसपास, और वापस टूट के ये शेयर 18 रुपए पर आया। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर तेजी यहाँ पर आई है, फिर वापस नीचे गया है। अब वापस ये शेयर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो ये चीज यहाँ पर चलती रहेगी। तो एक चीज है कि अगर आपका प्लानिंग, निवेश करने का प्लान कम से कम 1-1.5 साल का है तो ही इसमें पैसा लगाए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 3 रुपए ऊपर जाने के बाद 2 रुपए नीचे भी आएगा। तो ऐसे शेयर में आपको एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी भी नहीं खरीदनी होती है। ऐसे शेयर में आप क्या करोगे, ऐसे शेयर में अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं, आप पहले 100 शेयर खरीदोगे, फिर आप वेट करोगे, अगर गिरावट आती है थोड़ी बहुत तो फिर उस गिरावट का आपको फायदा उठाना है, आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करोगे, फिर आप वेट करोगे, अगर गिरावट आए आप फिर से उसका फायदा उठाए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान लेके चले। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें तभी निवेश करें जब आपका निवेश का जो अवधि है वो लॉन्ग टर्म की अवधि हो, और दूसरी कम से कम आपका प्लान 1-2 साल का हो तो ही यहाँ पर निवेश करें। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए ये शेयर बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि डूबने वाली कंपनी नहीं है, पहली चीज, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ रह सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा प्रेशर में भी रहेगा ये शेयर, थोड़ी गिरावट भी आएगी कुछ वक्त के लिए, काफी स्लो मूव भी करेगा, एक ही प्राइस रेंज के आसपास काफी लंबे होते अब वक्त ये शेयर घूम भी सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको इसी तरीके की यहाँ पर रैली देखने को मिलेगी। ये वो शेयर है जो आपका जो पेशेंस है उसको टेस्ट करता है, ये शेयर आपका पेशेंस टेस्ट करता है, आप में पेशेंस हो लंबे समय तक बने रहने का तो ही इसमें निवेश करें, वरना इसमें निवेश ना करें। मुझे लगता है कि जरूर लॉन्ग टर्म में दमखम है इसके पास, 25 से 26 रुपए तक जाने का, मिनिमम 25-26 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। तो खरीदारी की है और आप में पेशेंस हो 1-1.5 साल तक रुकने का तो ही खरीदारी करें, तो खरीदारी की हो तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जैसे कि मैंने कहा पेशेंस होना जरूरी है, और दूसरी चीज एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी भी खरीदने की गलती मत करना, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो, जब जब गिरावट है तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, और कम से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।